तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में हमास से हार का सामना करने के बाद कनाडा भी इजराइल से हुआ बागी। कनाडा ने नेतन्याहू को झटका देते हुए फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश अलग से बनाने की कर दी मांग। इजराइल को दिया कनाडा ने बड़ा झटका, फिलिस्तीन के मुसलमान हुए खुश। ईरान के सर्वोच्च नेता ने इजराइल को दे दी धमकी, कहा गाजा में गिराए गए एक एक बम का लेंगे इजराइल से बदला, इजराइल को करेंगे तबाह, नेतन्याहू की बड़ी चिंता। गाजा पट्टी में युद्ध विराम के बीच इजराइल की भयानक सोच आई सामने, वेस्ट बैंक पर कब्जा करने का बनाया है प्लान, वेस्ट बैंक में बसाएगा यहूदियों को। गाजा पट्टी में युद्ध विराम के बीच गाजा में यूएई बनाएगा अपनी सरकार, मुस्लिम देश बोले यूएई है इजराइल का पिछलग्गू, कर रहा है गाजा पट्टी से गद्दारी। यूपी में कांग्रेस पदाधिकारियों की नई लिस्ट हुई जारी, प्रियंका गांधी के करीबियों के नाम गायब। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी में हार के बाद बागी हुआ कनाडा, नेतन्याहू को झटका देते हुए हमास के समर्थन में किया बड़ा ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में हमास से जंग हारने के बाद इजराइल के खिलाफ अब कनाडा बागी हो गया है। कनाडा के प्रधानमंत्री ने नेतन्याहू को झटका देते हुए फिलिस्तीनियों के समर्थन में बड़ा ऐलान किया है। दरअसल आपको बता दें कि जब इजराइल और हमास की जंग शुरू हुई थी तब कनाडा ने इजराइल का साथ दिया था, लेकिन जैसे ही इजराइल की सेना गाजा पट्टी में हमास से हारी उसके बाद कनाडा ने अपना रुख बदला। कनाडा ने फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए इजराइल के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। वहीं आपको बता दें कि कनाडा ने साफ कहा है कि फिलिस्तीनियों की गाजा पट्टी जमीन है और उस गाजा पट्टी की जमीन पर इजराइल का कब्जा नहीं होना चाहिए। कनाडा ने कहा है कि इजराइल की सेना जो गाजा पट्टी में घुस गई थी उस सेना को बाहर आना चाहिए और गाजा पट्टी को खाली करना चाहिए और फिलिस्तीन एक स्वतंत्र देश बनना चाहिए और हम फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश बनाने के पक्ष में हैं, जो इजराइल के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी में गिराए गए बमों का बदला लेने का ईरान ने किया ऐलान। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामेनेई ने इजराइल को दे दी धमकी। दोस्तों आपको बता दें कि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामेनेई ने फिलिस्तीन के गाजा पट्टी इलाके में इजराइल की बमबारी का बदला लेने की इजराइल को धमकी दी है। खामेनेई ने कहा है कि इजराइल को अगर लगता है कि वह गाजा में मौत बरसाकर बच जाएगा तो ऐसा नहीं होने वाला है। इजराइल को गाजा में गिराए जा रहे हर एक बम का हिसाब देना होगा। आयतुल्ला खामेनेई ने इजराइल को ऐसे समय में धमकी दी है जब दोनों पक्षों ने गाजा में युद्ध विराम के लिए समझौता हुआ है। खामेनेई ने कहा कि गाजा पर बमबारी करके इजराइल अपनी ही जिंदगी को कम कर रहा है, गाजा का युद्ध उसके लिए अनुतरिक नहीं रहेगा। वह ये ना माने कि इसका जवाब उसको कभी नहीं मिलने वाला है, लेकिन ईरान उसको जवाब देगा। जितने गाजा पट्टी में उसने बम गिराए हैं उन सभी का हिसाब ईरान चुन चुन कर इजराइल से लेगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि ईरान ने इजराइल पर चढ़ाई करने का मन बना लिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो युद्ध विराम के बीच इजराइल की भयानक सोच आई सामने, वेस्ट बैंक पर इजराइल ने कब्जा करने का बना रखा है प्लान। जो दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में 47 दिनों तक चली जंग में हार का सामना करने वाले इजराइल की एक भयानक सोच सामने आई है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की गाजा पट्टी में हमास के लड़ाकों से सामना नहीं करने के बाद अब गाजा पट्टी छोड़कर इजराइल ने वेस्ट बैंक पर कब्जा करने का मन बनाया है और यहाँ पर इजराइल की बसाने की बात कही है। इजराइल का प्लान है कि गाजा पट्टी में तो हमास हमें चुन चुन कर मार रहा है, गाजा पट्टी में तो हम कब्जा नहीं कर पाएंगे, लेकिन गाजा पट्टी का जो दूसरा हिस्सा है वेस्ट बैंक, उस पर इजराइल ने कब्जा करने का मन बनाया है और वेस्ट बैंक में यहूदियों को बसाने के लिए इजराइल अब बस्तियां बनाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की इजराइल की भयानक सोच अब सामने आई है, लेकिन हमास एक इंच जमीन पर भी इजराइल को कब्जा नहीं करने देगा। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अरब की नापाक हरकत, गाजा में यूएई बनाएगा अपनी सरकार, मुस्लिम देश गाजा से करी यूएई ने गद्दारी। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच इस समय 4 दिनों का युद्ध विराम हो गया है। युद्ध विराम के बाद गाजा का क्या भविष्य होगा इसकी अभी तक किसी को पता नहीं है। कोई तो कह रहा है कि गाजा पट्टी में इजराइल अपनी सरकार बनाएगा और उस पर कब्जा करेगा, कोई कह रहा है कि अमेरिका इसको कंट्रोल करेगा, तो कोई कह रहा है कि यूएन इसे अपने कब्जे में लेगा, लेकिन
अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि जो गाजा पट्टी में मर रहे फिलिस्तीनियों का साथ देने के लिए आगे नहीं आए, वो गाजा पट्टी में अपनी सरकार बनाने के लिए तैयार हैं। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मुस्लिम देश यूएई गाजा पट्टी में अपनी सरकार बना सकता है। यूएई वही देश है जो इजराइल और अमरीका का पिछलग्गू है। जो इजराइल अमरीका करेगा कहेगा वही यूएई कहेगा करेगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, लेकिन कई अरब देशों ने यूएई की सरकार बनाने का गाजा पट्टी में विरोध किया है। लोग कह रहे हैं कि आखिरकार यूएई ऐसी गद्दारी गाजा के लोगों से क्यों कर रहा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी में कांग्रेस पदाधिकारियों की नई लिस्ट, प्रियंका गांधी के करीबियों के नाम गायब। जय दोस्तों, आपको बता दें कि घर के सारे पर्दे बदल डालेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए यूपी में कांग्रेस का यही फंडा है। कांग्रेस हाईकमान ने सबसे पहले पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को बदला, फिर संगठन के पेच कसने का अभियान शुरू किया। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की प्रियंका गांधी के इस्तीफे के बाद से ही किसी को नया प्रभारी नहीं बनाया गया है। कांग्रेस के कई महासचिव जीवों को यह जिम्मेदारी देने की चर्चा हुई है, पर अब तक कोई नाम फाइनल नहीं हुआ है। दीपेंद्र हुड्डा से लेकर तारिक अनवर तक के नाम की खबरें आती रहीं। एक बार तो सचिन पायलट का भी नाम चल गया था। कहा जा रहा है कि जो भी नेता बनेगा वो प्रियंका गांधी की गुड़ बुक का ही होगा। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की इस कड़ी में कई कांग्रेस के नेताओं को साइड कर दिया गया है। जो यूपी में कांग्रेस के पदाधिकारियों की लिस्ट जारी हुई है उसमें प्रियंका गांधी के करीबियों का नाम गायब है, यानी नए लोगों को कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश में मौका दिया है को ऐसे समय में धमकी दी है जब दोनों पक्षों ने गाजा में युद्ध प्रारंभ के लिए समझौता हुआ है। खामनोई ने कहा कि गाजा पर बमबारी करके इजराइल अपनी ही जिंदगी को कम कर रहा है, गाजा का युद्ध उसके लिए अनुतरिक नहीं रहेगा। वह ये ना माने कि इसका जवाब उसको कभी नहीं मिलने वाला है, लेकिन ईरान उसको जवाब देगा। जितने गाजा पट्टी में उसने बम गिराए हैं उन सभी का हिसाब ईरान चुन चुन कर इजराइल से लेगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि ईरान ने इजराइल पर चढ़ाई करने का मन बना लिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो युद्ध प्रारंभ के बीच इजराइल की भयानक सोच आई सामने। वेस्ट बैंक पर इजराइल ने कब्जा करने का बना रखा है प्लान। जो दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में 47 दिनों तक चली जंग में हार का सामना करने वाले इजराइल की एक भयानक सोच सामने आई है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि गाजा पट्टी में हमास के लड़ाकों से सामना नहीं करने के बाद अब गाजा पट्टी छोड़कर इजराइल ने वेस्ट बैंक पर कब्जा करने का मन बनाया है और यहां पर इजराइल की बस्तियां बसाने की बात कही है। इजराइल का प्लान है कि गाजा पट्टी में तो हमास हमें चुन चुन कर मार रहा है, गाजा पट्टी में तो हम कब्जा नहीं कर पाएंगे, लेकिन गाजा पट्टी का जो दूसरा हिस्सा है वेस्ट बैंक, उस पर इजराइल ने कब्जा करने का मन बनाया है और वेस्ट बैंक में यहूदियों को बसाने के लिए इजराइल अब बस्तियां बनाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि इजराइल की भयानक सोच अब सामने आई है, लेकिन हमास एक इंच जमीन पर भी इजराइल को कब्जा नहीं करने देगा। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अरब की नापाक हरकत, गाजा में यूएई बनाएगा अपनी सरकार, मुस्लिम देश गाजा से करी यूएई ने गद्दारी। जो दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच इस समय 4 दिनों का युद्ध विराम हो गया है। युद्ध विराम के बाद गाजा का क्या भविष्य होगा इसकी अभी तक किसी को पता नहीं है। कोई तो कह रहा है कि गाजा पट्टी में इजराइल अपनी सरकार बनाएगा और उस पर कब्जा करेगा, कोई कह रहा है कि अमेरिका इसको कंट्रोल करेगा, तो कोई कह रहा है कि यूएन इसे अपने कब्जे में लेगा। लेकिन अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि जो गाजा पट्टी में मर रहे फिलिस्तीनियों का साथ देने के लिए आगे नहीं आए, वो गाजा पट्टी में अपनी सरकार बनाने के लिए तैयार हैं। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मुस्लिम देश यूएई गाजा पट्टी में अपनी सरकार बना सकता है। यूएई वही देश है जो इजराइल और अमरीका का पिछलग्गू है। जो इजराइल अमरीका करेगा कहेगा वही यूएई कहेगा करेगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, लेकिन कई अरब देशों ने यूएई की सरकार बनाने का गाजा पट्टी में विरोध किया है। लोग कह रहे हैं कि आखिरकार यूएई ऐसी गद्दारी गाजा के लोगों से क्यों कर रहा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी में कांग्रेस पदाधिकारियों की नई लिस्ट, प्रियंका गांधी के करीबियों के नाम गायब। जय दोस्तों आपको बता दें कि घर के सारे पर्दे बदल डालेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए यूपी में कांग्रेस का यही फंडा है। कांग्रेस हाईकमान ने सबसे पहले पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को बदला, फिर संगठन के पेच कसने का अभियान शुरू किया। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की प्रियंका गांधी के इस्तीफे के बाद से ही किसी को नया प्रभारी नहीं बनाया गया है। कांग्रेस के कई महासचिव
सचिवों को ये जिम्मेदारी देने की चर्चा हुई है, पर अब तक कोई नाम फाइनल नहीं हुआ है। दीपेंद्र हुड्डा से लेकर तारिक अनवर तक के नाम की खबरें आती रहीं। एक बार तो सचिन पायलट का भी नाम चल गया था। कहा जा रहा है कि जो भी नेता बनेगा वो प्रियंका गांधी की गुड़ बुक का ही होगा। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की इस कड़ी में कई कांग्रेस के नेताओं को साइड कर दिया गया है। जो यूपी में कांग्रेस के पदाधिकारियों की लिस्ट जारी हुई है उसमें प्रियंका गांधी के करीबियों का नाम गायब है, यानी नए लोगों को कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में मौका दिया है।